हेलो, मेरा नाम है पुलकित जैन और ये वीडियो ना सिर्फ उनके लिए है जो वाकई देश की तरक्की चाहते हैं। यदि आप देश की तरक्की में साथ नहीं देना चाहते तो आप वीडियो मत देखिए, ठीक है। तो आज मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 2000 और 500 का नोट बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद ना आप ये मत कीजिए बदलवा लो जाके बैंक से एंड ऑल दैट। आप बंद कर दीजिए, मतलब बंदा अपने अकाउंट में ही डिपॉजिट करेगा। भाई जिसके पास 2, 4, 10 नोट हैं वो तो कहीं आपसदारी में कहीं से जाके खुलवा ही लेगा, और जिसके पास काफ़ी सारे नोट होंगे उसका पक्का एक बैंक अकाउंट तो होगा ही। भाई आपने लास्ट टाइम क्या किया, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपने नोट बदलवा दिए तो वो हुआ क्या? करप्शन कहाँ गई? कुछ भी नहीं, सारे पैसे बदल के 2000 के नोट में चले गए। ये जो इतनी भीड़ लगी थी, इस भीड़ लगाने का फ़ायदा थोड़ी ना है। और मैं बताता हूँ, मेरी तो सिस्टर इन लॉ की शादी थी उस टाइम पे, तो अगले दिन हम भाई सामान खरीदने गए। उसने दुकानदार ने बाहर लिख के लगा दिया 2000 और 500 का नोट हम नहीं लेंगे। भाई क्यों नहीं लोगे? मैंने आके दुकान खोली, मैंने तो 1-1.5-2 महीने तक नोट लिए, मैंने जाके बैंक में जमा कराया, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई आपको नोटों से क्या दिक्कत है? आप जाके बैंक में जमा कराओ, और बिजनेसमैन को क्या दिक्कत है? उसको लेने को सरकार ने मना थोड़ी ना किया था नोट। भाई वो लेके अपने बैंक में तो जमा कर ही सकता था ना। और हर एक दुकानदार का करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जिससे भी वो काम कर रहा है वो तो होता ही है। मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आपने डिमोनेटाइजेशन किया, ठीक है, और आपने क्या किया, उन नोटों को बदल दिया। आप क्या करते हो कि भाई एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाते रहते हो, भाई 2.5 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 7.5 लाख हो गया, पर कैपिटा इनकम बुक्स में बढ़ गई ना। इंडिया की ग्रोथ कागजों में बढ़ी, हकीकत में तो नहीं बढ़ी। रिसेशन आ रहा है, रेपो रेट ऊपर नीचे हो रहा है। भाई जब पैसे ही बैंक में रहेंगे, पैसे स्टॉक मार्केट में लगे ही रहेंगे, तो कहाँ से दिक्कत आएगी इंडिया को? रेपो रेट ऊपर नीचे करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? सीधी सी बात है, बैंक में पैसा गया, ठीक है, बैंक में पैसे जाने के बाद किसी ने मुझसे कुछ सामान खरीदा, उसने मुझे पैसे दिए बैंक में, से बैंक में ट्रांसफ़र हुआ, मैंने जिसको आगे पेमेंट करनी है उसके बैंक में ट्रांसफ़र किया, उसने आगे जिसको पेमेंट करनी है उसने बैंक में ट्रांसफ़र किया, पैसा बैंक से बाहर ही नहीं निकलेगा, ज़रूरत ही नहीं है ना। जब सारे खर्चे आपके हो रहे हैं और आप बैंक से बैंक में पैसा ट्रैवल होता रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी में लगा रहेगा, स्टॉक मार्केट में लगा रहेगा। अब हाल देखो यार, IPO आते हैं, कितने कितने डूब गए हैं, कितने लोगों के पैसे, अपना तो वो साइकिल इधर से उधर कर करके निकल लेते हैं। ये जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं सब लॉस में चल रही हैं। क्यों? ये COD पे माल बेचते हैं, COD पे। अब जिसके पास पैसा है ना 2 नंबर का, वो करना क्या है उसको? फ़ोन ले लेगा नए, ठीक है, घड़ियाँ ले लेगा, जूते ले लेगा, कपड़े ले लेगा। भाई काम की चीज़ तो कभी खरीदेगा ही नहीं ना इंसान, ना काम की चीज़ में पैसा लगाएगा। वो पैसा इंडियन इकोनॉमी के अंदर आता ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। बस आप समझो इस चीज़ को, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब पैसा आएगा अपने आप इंडिया बढ़ जाएगा। आपको ये झूठी झूठी फाइलिंग की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, मैं तो अपनी समझ से इस चीज़ को बता रहा हूँ। और मैं मानता हूँ मेरे पास, मैंने DU से BCOM की थी, मेरे पास डिग्री नहीं है। मैंने MCOM की थी CCS यूनिवर्सिटी की, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ MBA मैंने किया था, MD से उसकी मेरे पास है डिप्लोमा, बाकी तीनों किए मैंने DLP से थे। यार अपना काम धंधा देखेंगे हम, देखते उस वक्त क्या पढ़ाई में लग जाते भाई, इतनी मजबूरियाँ थी तो काम धंधा देखते ना, कौन डिग्रियाँ लेने भाग रहा है। सिस्टम्स ही ऐसे थे कुछ, मुझे आज तक डिग्री नहीं मिली। पर हाँ मैंने PGDBM किया है मार्केटिंग में, और MCOM किया है फिनेंसिंग में, और MCOM MBA जब मैं कर रहा था तब दुकान पे बैठता था मैं। फिर 12th के बाद से ही मैंने थोड़ा टाइम बाद से दुकान ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, और 1 जनवरी 2009 से तो मैं परमानेंट ही आ गया था दुकान पे। तो आप इस चीज़ को समझिए, मुझे जितनी समझ है मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप 2500 के नोट बंद कर दीजिए, अपने आप सारे के सारे पैसे बैंक में चले जाएंगे, और आपको ये रूल निकालने की ज़रूरत नहीं है
कि भाई इतने रुपए तक आप कैश पेमेंट कर सकते हो प्रॉपर्टी के अंदर, इतने रुपए तक आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, सब खरीदेंगे ही बैंक से, आपको रूल्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये सारे सब बैंक से सीधा सीधा ट्रांसफ़र करके ही खरीदेंगे और वो पैसा बैंक में ही रहेगा, ख़त्म का। थैंक यू।